तो फ्रेंड स्नैपडील से जो मैंने मोबाइल मंगवाया था वीवो का, वो मोबाइल मेरे पास पहुंच चुका है, ठीक है। वीवो का V25 ये मोबाइल है, ये मेरे पास ये पहुंच चुका है, ठीक है। फ्रेंड्स इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल मेरे पास कितने दिनों में पहुंचा, साथ ही फ्रेंड्स इसको आने में कितने दिन लगे। इसके अलावा फ्रेंड्स इसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ कि इसके साथ में मुझे क्या क्या मिला, और फ्रेंड्स इसका मैं जो मैंने ऑर्डर किया था उसका मुझे डाउन पेमेंट कितना करना पड़ा, कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही फ्रेंड्स इसकी प्राइस क्या रही, ठीक है फ्रेंड्स, और इस पर कितना इंटरेस्ट लगा, कितना जो ब्याज लगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक देखते रहिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते जी, जो हैं। मैंने मोबाइल मंगवाया था इसको मैंने पहले ओपन कर लिया था, ये मेरे पास 3-4 दिन पहले ही पहुंच चुका होगा था, पर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अभी आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ कि इस मोबाइल के अंदर मुझे क्या क्या मिला है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी क्या प्राइस रही, कंप्लीट मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा मोबाइल का बॉक्स, इसको मैंने ऑलरेडी पहले मैंने इसको ओपन कर लिया था। इसका अभी जो वेरियंट है फ्रेंड्स, ये वेरियंट है 8 GB 128 GB, ठीक है, कंप्लीट आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ, सिंपल मैंने इसको ऑलरेडी पहले ही ओपन कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर एक मोबाइल मुझे यहाँ पर मिला था, वीवो का V25, ठीक है फ्रेंड्स। इसको मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, ये मोबाइल कुछ इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो फ्रेंड्स ये जो बैक पैनल है काफ़ी अच्छा है, इसमें फ्रेंड्स आप कोई भी अगर आप चाहते हो पीछे की तरफ आपको बैक में कोई प्रिंट रखनी है तो आप यहाँ पर कोई लेजर की जो लाइट होती है फ्रेंड्स उस लाइट को रख करके आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो, थोड़ी देर रहता है वापस हट जाता है और वापस से नया प्रिंट भी आप वॉलपेपर की तरह आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप यूज़ करके मैं इस वीडियो के अंदर नहीं दिखाऊंगा, पर फ्रेंड्स आप इस तरह से इस यूज़ कर सकते हो अगर आप ये वीवो का V25 Pro लेते हो या वीवो V25 लेते हो। तो फ्रेंड्स मोबाइल के अलावा इस बॉक्स में कुछ हमें जो मिला है फ्रेंड्स, ये जो इसका जो तो फ्रेंड्स ये केबल मिली है टाइप सी केबल, ठीक है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो जो चार्ज का ये बॉक्स होता है, ये एडेप्टर ये मिला है फ्रेंड्स। ये जो फ्रेंड्स ये चार्ज है फ्लैश चार्ज है, या फिर इसका जो वोट है फ्रेंड्स 44 वोट है, यानी कि 44 वोट का यहाँ पर हमें चार्जर मिला है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा यहाँ पर एयरफोन नहीं मिला है। साथ ही फ्रेंड्स इस फोन का सबसे बड़ा एक नुकसान मुझे यह लगा कि फ्रेंड्स इसमें जो हेडफोन जैक होता है वो हेडफोन जैक इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो नहीं ऊपर की तरफ है, यहीं नहीं नीचे की साइड में यहाँ पर हमें हेडफोन जैक दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का ये मोबाइल है, आप कंप्लीट इसको देख सकते हो, मैंने आप इसको ऑन भी किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा ये मोबाइल है। बस फ्रेंड्स इसमें जो वीवो V25 Pro आता है उसमें फ्रेंड्स आपको जो डिस्प्ले मिलते हैं वो कर्व डिस्प्ले मिलते हैं, यहाँ तक आपको कंप्लीट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। पर फ्रेंड्स ये काफ़ी सिंपल डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि आपका नॉर्मल फोन आता है सेम उसी डिस्प्ले के साथ ये फोन आता है। तो फ्रेंड्स हमें जो मोबाइल मिला था कुछ इस तरह से यहाँ पर मिला था। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके साथ में ना तो मुझे एयरफोन मिला, नहीं यहाँ पर कुछ मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसका कैमरा भी बता देता हूँ, काफ़ी अच्छा है इसमें ये आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैं कुछ मैंने यहाँ पर फोटोज़ लिए हुए हैं, वो फोटोज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर कंप्लीट आप देखते हो इसका, आप नॉर्मल यहाँ से फोटो लोगे इस कैमरे से तो भी यहाँ पर काफ़ी इस तरह का यहाँ पर आपको फोटो देखने को मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये कुछ ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर कंप्लीट अच्छा नहीं दिख रहा होगा, पर फ्रेंड्स यहाँ पर आप एडजस्ट करके देखते हो काफ़ी अच्छा इसका ये कैमरा मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। बैक कैमरा का और फ्रंट कैमरा काफ़ी इसमें आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स ओवरऑल फोन काफ़ी अच्छा है, सेम आईफोन लुक में यहाँ पर मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। पूरा यहाँ पर कंप्लीट आप इसको ये पूरा देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह से मोबाइल मिलता है, वीवो V25 है, ठीक है फ्रेंड्स। वीवो V25 Pro है वो फ्रेंड्स इससे भी काफ़ी ज़्यादा महंगा है, इससे 10,000 रुपये या फ्रेंड्स 7-8,000 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ये मोबाइल मिलता है कंप्लीट, काफ़ी अच्छे शेप में, और इसके साथ में फ्रेंड्स इसका जो फिंगरप्रिंट है वो आपको आगे की यहाँ साइड पर में मैं आपको देखने को। कंप्लीट पूरी अनबॉक्सिंग तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ट्रस्ट दिला रहा हूँ कि स्नैपडील एकदम रियल एप्लीकेशन है, इससे आप कोई भी मोबाइल या कोई भी आप प्रोडक्ट चाहते हो तो आप इजीली इससे EMI पर ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप कंप्लीट आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है मोबाइल मिला है। और फ्रेंड्स वो जो मुझे मोबाइल मिला था वो फ्रेंड्स मैंने ऑर्डर किया था उससे 6 या 7 दिन के अंदर अंदर मुझे मोबाइल मिल गया था। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई भी ऑर्डर करते हो तो फ्रेंड्स उसमें कंफर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा देरी लगती है, इसके लिए आप उनके कस्टमर केयर पर बात कर सकते हो। अगर कस्टमर केयर पर बात नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनको मेल भी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर ज़रूर आपको आंसर मिल जाएगा और आपको ऑर्डर आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर नॉर्मल जो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से कोई भी फोन मंगवाते हो या कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो जिसमें उसमें जितना टाइम लगता है सेम उसमें सेम इसमें आपको ऐसे ही मिलता है, पर फ्रेंड्स इसमें का एक कंफर्मेशन होता है, उस कंफर्मेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। बस फ्रेंड्स सैटरडे संडे को आपको ऑर्डर नहीं करना है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा और आपका कंफर्मेशन नहीं होगा। अगर आप सैटरडे संडे के अलावा आप कोई भी किसी भी दिन आप ऑर्डर करोगे तो आपको 100% आपका ऑर्डर तुरंत ही आपका कंफर्मेशन हो जाएगा 1 या 2 दिन तो के फ्रेंड्स इसके अंदर। अलावा जो मुझे ट्रांसपेरेंट या जो मतलब कवर आता है फ्रेंड्स इसका, ये बैक कवर मुझे इसके साथ ही में मिला था, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा था, जो वीवो के मोबाइल के साथ हर एक मोबाइल के साथ आता है वही फ्रेंड्स यहाँ पर कवर दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको बैक कवर देखने को मिल जाता है, जो फ्रेंड्स धूप के साथ यहाँ पर ये काला पड़ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पता होगा अगर आप कोई भी अगर ये ट्रांसपेरेंट कवर लेते हो तो आप जितने दिन आप यूज़ करते हो तो ऑटोमेटिक इसका कलर आपको ब्लैक ब्लैक दिखने फ्रेंड्स लग मैं जाता आपको एक है। बात बताता हूँ, वीवो की
एक भी सीरीज ऐसी नहीं होगी, यानी फ्रेंड्स वीवो की वी सीरीज का जो भी जितने ही फोन आए हैं, वीवो V25 यानी वीवो V25 तो अभी चल रहा है फ्रेंड्स, वीवो का V5 आने लगा था, उससे जो भी मोबाइल आ रहे हैं वीवो के, मैंने हर एक मोबाइल को ट्राई किया है, मैंने हर एक मोबाइल को यहाँ पर चलाया हुआ है, मैंने वीवो का एक भी मोबाइल नहीं छोड़ा है। यानी कि फ्रेंड्स जो वाई सीरीज का आते हैं उनको मैंने सिर्फ दो तीन मोबाइल को यूज़ किया है, वरना फ्रेंड्स मैंने वी सीरीज का हर एक मोबाइल को मैंने वीवो का ट्राई किया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो फोन होते हैं काफ़ी यहाँ पर मजबूत आते हैं और अगर गिर भी जाते हैं आपके हाथ से कभी टूटते टूटते नहीं है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप वीवो का मोबाइल कभी भी लेते हो तो फ्रेंड्स उसके ऊपर आपको एक ग्लास देखने को मिलता है, ये फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा ग्लास होता है, इसको कभी आपको हटाना नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप इसको अगर आप हटाते हो तो एक प्लास्टिक का जो आप यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक के सेम ऐसे ही मिलेगा, पर फ्रेंड्स इसको कभी भी आपको हटाना नहीं है, अगर आप इसको हटा देते हो तो आपकी डिस्प्ले जाने के चांस भी बढ़ जाते हैं अगर कभी गिरता है तो। पर फ्रेंड्स अगर ये लगा हुआ रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लगा हुआ है बिल्कुल हल्का सा, तो फ्रेंड्स कभी भी आपका मोबाइल ये टूटेगा नहीं, ये तो गारंटी फ्रेंड्स है। ये तो मैंने मंगवाया था वीवो का V25, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हो कभी कोई मोबाइल मंगवाना वीवो का या चाहे किसी का भी, तो आप स्नैपिन से मंगवा सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो स्नैपिन से, स्नैपिन एकदम रियल एप्लीकेशन है, ठीक है, इसका आप यूज़ करके आप कोई भी प्रोडक्ट आप इजीली मंगवा सकते हो, आपको ईएमआई पर हर एक प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप बात करूँ कि मुझे कितनी प्राइस में पड़ा, तो फ्रेंड्स इसकी जो प्राइस लगी तो मुझे 28,000 रुपये में मुझे मोबाइल मिला था, 28,000 रुपये। इसके अलावा मैंने जो ईएमआई कराई थी उस पर 1,000-1,500 रुपये यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा लिया गया था, मैंने ईएमआई काफ़ी कम ही करवाई थी, ठीक है, 3 ईएमआई में इसको मैंने लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप भी अगर चाहते हो तो आप स्नैपिन से कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो, इजीली आपको यहाँ पर तुरंत मिल जाएगा, 7-8 दिन के अंदर आपको डिलीवर्ड भी कर दिया जाएगा। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।